अस्सलाम वालेकुम, आवाज़ साफ आ रही है? पार्टिसिपेंट मुझे नज़र आ रहे हैं मोहम्मद अली अहमद, मोहम्मद अनस, मिर्ज़ा साइम, अदीना जावेद, हमजा अली हुर्रज़ा, मोहम्मद अवेस, मोहम्मद सारिब, सुफियान और MUSS हेयर, ये लिखा है। अच्छा, आप लोग काम ये करें, अपने ना नेम और आईडी से लॉग इन करें, ठीक है? आपके नेम और आईडी होने चाहिए, कम से कम नाम तो, जैसे वो और लोगों के नाम है, आईडीज हैं, जैसे MUSS हेयर, ठीक है ना, ये इनका अपना नेम आईडी करें। वरना इनको लॉग आउट कर दिया जाएगा। ये जीमस हेयर जो है, ये अपना माइक ऑन करेंगे, आपका तो माइक भी नजर नहीं आ रहा, फिर जाके मैं पता चले आप हैं कि नहीं। ठीक है, मैं आपको रिमूव कर रहा हूँ। जी, फैजान करीम आगे, ठीक है, फैजान कमाल। लिंक लिस्ट का हमारा टॉपिक चल रहा था क्लास में, वहीं से स्टार्ट करते हैं। लिंक लिस्ट स्क्रीन नजर आ रही है आप लोगों यस सर। को? अच्छा, लिंक लिस्ट के बारे में हमने ये पढ़ा था कि एक वन वे लिस्ट होती है, ठीक है। एरेज का डिसएडवांटेज क्या है? एरेज का डिसएडवांटेज ये कि एक के बाद दूसरे इंडेक्स के ऊपर ना कोई वैल्यू वहां पर लाया कर रही होती है, लेकिन जबकि लिंक लिस्ट के अंदर ऐसा नहीं होता। लिंक लिस्ट के अंदर कोई भी वैल्यू कहीं भी रखी हुई होती है रैम में, तो उसको एक्सेस कैसे किया जाता है, उस पर उसके एड्रेस के जरिए, ठीक है। यहाँ पे ये लिखा है, लिंक लिस्ट और वन वे लिस्ट इज अ लीनियर कलेक्शन ऑफ डेटा एलिमेंट्स कॉल्ड नोड्स, ठीक है। हर एलिमेंट को ये नोड कहते हैं। और नोड में होता क्या है, नोड के अंदर इंफॉर्मेशन होती है और अगले एलिमेंट का एड्रेस होता है। तो यहाँ पे लिखा है, लीनियर ऑर्डर इज गिवन बाय मीन्स ऑफ पॉइंटर, ठीक है। तो पॉइंटर के जरिए, पॉइंटर क्या है एक्चुअली, एड्रेस। तो पॉइंटर्स के जरिए अगले एलिमेंट को हम एक्सेस कर सकते हैं लिंक लिस्ट। अच्छा, ईच नोड इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। हर नोड में दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन पार्ट होता है और दूसरा क्या होता है, नेक्स्ट पॉइंटर फील्ड। एक पार्ट के अंदर इंफॉर्मेशन होती है, डेटा होता है,
और उसके साथ ही जो है वो नेक्स्ट पॉइंटर फील्ड, मतलब वो एड्रेस है जो जिसके जरिए से हम अगले एलिमेंट के ऊपर जो है स्विच कर सकते हैं। तो हर नोड जो है इन दो चीजों के ऊपर मुश्तमिल होती है लिंक लिस्ट में। ये तो अच्छा, जहां पर लिंक लिस्ट खत्म हो रही होती है ना, उसको खत्म कैसे होती है, उसमें नल पॉइंटर आ जाता है एंड में, जैसे यहाँ पर लिखा लास्ट पॉइंट नल पॉइंटर, तो आखिर में नल पॉइंटर आ जाता है। नल पॉइंटर इंडिकेशन है कि इस वक्त लिंक लिस्ट खत्म हो गई है। कोई भी स्पेशल वैल्यू डाल सकते हैं यहाँ पे, हमने अपनी स्लाइड्स वगैरह में जहां भी यूज किया, कोशिश की है, वहां पर जो है जीरो रख दिया है। जीरो का मतलब नल पॉइंटर है कि वहां पर जो है वो लिंक लिस्ट जो है उसका एंड हो गया लिंक लिस्ट का। तो लिंक लिस्ट में दो पॉइंट बताना जरूरी है, एक स्टार्टिंग पॉइंट और एक एंडिंग पॉइंट। ठीक है, तो इन दोनों के जरिए से जो है हमें पता चल जाता है कि लिंक लिस्ट कहाँ से शुरू हो रही है और कहाँ पे खत्म हो रही है। अ पॉइंटर वेरिएबल कॉल्ड स्टार्ट विच कंटेन्स द एड्रेस ऑफ द फर्स्ट नोड। स्टार्ट में क्या होता है, स्टार्ट भी एक पॉइंटर वेरिएबल है, वो क्या करेगा, उसके अंदर पहले नोड का एड्रेस होगा। तो स्टार्ट के जरिए से आप लिंक लिस्ट की फर्स्ट नोड को एक्सेस कर लोगे, और अगली नोड पे जाने के लिए जो नेक्स्ट लिखा है यहाँ पर, नेक्स्ट मीन्स एड्रेस है अगले एलिमेंट का, उस नेक्स्ट के जरिए से आप अगले एलिमेंट के ऊपर आ जाओगे और अगला डेटा आपको मिल जाएगा। अगली नोड पे पहुंच जाओगे, अगले नोड का आपको डेटा मिल जाएगा, और फिर नेक्स्ट के जरिए यानी कि अगले एड्रेस के जरिए आप फिर अगली नोड पे चले जाओगे और उसका डेटा आपको मिल जाएगा। और चूंकि उसके आगे कोई नोड नहीं है, तो यहाँ पर नल पॉइंटर के जरिए इंडिकेट किया गया है कि यहाँ पर जो है कोई भी नोड मजीद नहीं है। तो ये जो है इस तरह से फिनोमिना है लिंक लिस्ट का। और ये जो लिंक लिस्ट है, ये जाहिर है थ्री नोड्स की लिंक लिस्ट है जो यहाँ पर आपके सामने नजर आ रही है। अब ये तो जाहिर है, ये एक तो स्ट्रक्चर है उसका, ठीक है। जैसे नीचे यहाँ पर देखें, नीचे दिखाया है कि एक डेटा है और डेटा के साथ उसका पॉइंटर है नल पॉइंटर, और इस नल पॉइंटर के जरिए से हर अगली वैल्यू को जो है वो एक्सेस किया जा सकता है। और अच्छा, यहाँ पर ये बात लिखी है कि जाहिर है कि जो है ना, इसके अंदर कोई भी लिंक लिस्ट का सबसे बड़ा फायदा क्या है, लिंक लिस्ट का सबसे बड़ा फायदा ये है, एडिशन और डिलीशन, एडिशन और डिलीशन वो बहुत आसानी से हो जाती है। ठीक है, जहां पर भी आपको जैसे यहाँ पर लिखा है कि एलिमेंट्स कैन इजीली बी एडिड टू एंड टू एलिमेंट्स कैन इजीली बी एडिड टू एंड डिलीटेड फ्रॉम एनी पोजिशन इन द लिस्ट। लिंक लिस्ट में किसी भी पोजिशन से, किसी भी पोजिशन पे आप कोई भी एलिमेंट ऐड कर सकते हो और किसी भी पोजिशन से आप कोई भी एलिमेंट डिलीट कर सकते हो। हमने ये देखा था एरेस के अंदर, ये काफी डिफिकल्ट था क्योंकि एरेस में आप कहीं भी इंसर्शन कर रहे थे, तो बाकी मानकर जितने एलिमेंट्स थे उनको फिर हमें आगे मूव कराना पड़ रहा था। तो अगर 100 एलिमेंट्स हैं और 85 पोजिशन पे आप इंसर्शन कर रहे हो, तो आगे अगले 50 एलिमेंट्स आगे मूव करते हैं। तो ये बहुत बड़ा जो है ना उसके अंदर ड्रॉबैक था एरेज में। और डिलीशन भी इसी तरीके से, अगर कहीं है किसी एलिमेंट को आप डिलीट करते हो, तो आगे वाली वैल्यूज को आप फिर पीछे लेकर आते हो, क्योंकि जाहिर है खाली सेल, खाली जगह तो एरेज में होती नहीं है। तो अगर बार बार इंसर्शन और डिलीशन करनी पड़ जाए, तो एरेज फिर आपके लिए सूटेबल डेटा स्ट्रक्चर नहीं है। उसके लिए फिर जो आपके लिए ऑप्टिमल डेटा स्ट्रक्चर है वो लिंक लिस्ट है। ठीक है, तो लिंक लिस्ट जो है वो इसीलिए यूज किया जाता है कि ज्यादातर ये जहां पर आपको फ्रीक्वेंटली इंसर्शन और डिलीशन करनी हो, वहां पर ये आपके मतलब बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहता है। आपने क्या करना होगा, सिर्फ ओनली रेफरेंसेस टू नेक्स्ट एलिमेंट्स आर अपडेटेड। अगले एलिमेंट का, अगली नोड का आपने सिर्फ एड्रेस को चेंज करना होगा, उसका रेफरेंस को चेंज करना होगा। एड्रेस चेंज कर देंगे इंसर्शन हो जाएगी, एड्रेस चेंज कर देंगे डिलीशन हो जाएगी। हमें सिर्फ रेफरेंसेस को चेंज करना है, एड्रेसेस को चेंज करना है, और किसी भी एलिमेंट को मूव कराने की हमें कोई जरूरत नहीं है। तो ये
इसका अच्छा सबसे बड़ा एडवांटेज है, इसलिए इसको हम डायनामिक लिंक लिस्ट को हम कहते हैं कि ये डायनामिक है। ठीक है, यहाँ लिखा है देर इज नो नीड टू कॉपी और मूव लार्ज ब्लॉक्स ऑफ डेटा टू फैसिलिटेट इंसर्शन एंड डिलीशन ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, तो कोई कॉपी करने की जरूरत नहीं है, मूव करने की जरूरत नहीं जैसे एरेज में थी। लिस्ट ग्रोज डायनेमिकली, डायनेमिकली मीन्स के कोई एलिमेंट कहीं रखा है, कोई एलिमेंट कहीं रखा है, कोई एलिमेंट है, तो ऐसा नहीं है कि अगला एलिमेंट अगले सेल पर है। हो सकता है वो 10 सेल के बाद हो या 10 सेल पीछे हो। ठीक है, तो इसको कहते हैं डायनेमिकली जो है लिंक्ड लिस्ट ग्रो कर रही है, लेकिन उसमें बाहर लीनियर ऑर्डर बनता है, जैसे एरेज के अंदर लीनियर ऑर्डर बनता है एक के बाद दूसरा एलिमेंट, इस तरह लिंक्ड लिस्ट के अंदर भी लीनियर ऑर्डर जो है मेंटेन होता है। अच्छा जी, लिंकिंग कैन बी डन इन टू वेज यूजिंग डायनेमिक एलोकेशन और एरे इंडेक्स लिंकिंग। अच्छा, ये फर्स्ट हाफ की मैं अटेंडेंस भी ले लूं पहले, मुझे 15 पार्टिसिपेंट्स नजर आ रहे हैं, तो मैं इनका अच्छा मोहम्मद अली अहमद, अच्छा माइक को अनम्यूट करके भी कर सकते हैं रिप्लाई और चैट पे भी कर सकते हैं। प्रेजेंट है मोहम्मद अली अहमद, ठीक है। और सेकंड वन इज फैजान कमाल, प्रेजेंट सर। फैजान कमाल की अटेंडेंस हो गई। अच्छा जी, मोहम्मद अनस, मोहम्मद अनस, यस सर, ठीक है। वो असल में नाम इसलिए कॉल कर रहा हूँ ताकि मैं प्रेजेंस भी शो हो जाएगी आपकी, ठीक है। मोहम्मद अली अहमद अगले पार्टिसिपेंट। अच्छा, मोहम्मद अली अहमद तो हो गए थे, अनस हो गए, मोहम्मद सफीउद्दीन, सफीउद्दीन ने मार्क किए प्रेजेंट, लिखा है चैट में, ठीक है। और मिर्जा साइम बेग साइम अपनी अटेंडेंस बाहर कर दें, साइम ने अपनी अटेंडेंस लॉगिन तो है लेकिन अटेंडेंस मार्क नहीं कर रहे, तो एब्सेंट काउंट करेंगे। यमुना नास सर, आप साइम बोल रहे हैं या सारिम बोल रहे हैं? साइम, मिर्जा साइम, मिर्जा सारिम, सारिम, हाँ सारिम जी सर, मिर्जा सारिम बेग प्रेजेंट सर, ठीक है ठीक। वो सर नाम का इशू था। अच्छा सही, नाम गलत पढ़ रहा था, मिर्जा सारिम बेग, ठीक है। यमुना नास ने प्रेजेंट लिख दिया, ठीक है। अदीना जावेद ने प्रेजेंट मार्क कर दी, हमजा अली, ठीक है, हमजा अली ने प्रेजेंट मार्क कर दी, हुर रजा ने प्रेजेंट मार्क कर दी, सही है। मोहम्मद अली प्रेजेंट मार्क नहीं कर रहे, मोहम्मद अवेस, अच्छा मोहम्मद अली ने प्रेजेंट मार्क कर दिया, ठीक है। मोहम्मद अवेस, ठीक है, प्रेजेंट मार्क कर दी इन्होंने। मोहम्मद हमजा, सही है। मोहम्मद सारिफ, प्रेजेंट सर, सही। और सुफियान शुएब, ठीक है। 15 पार्टिसिपेंट्स,
अच्छा जी, लिंकिंग कैन बी डन इन टू वेज। यहाँ पर हम बात कर रहे थे लिंक लिस्ट की बात कर रहे हैं, तो लिंक लिस्ट के अंदर जो हमें लिंक करना होता है अगले एलिमेंट को, दो तरीकों से हम कर सकते हैं, डायनेमिक एलोकेशन के जरिए भी और इंडेक्स लिंकिंग की, एरे को भी यूज कर सकते हैं इंडेक्स लिंकिंग के लिए, दो मेथड्स हैं। तो डायनेमिक एलोकेशन हम देखते हैं कि डायनेमिक एलोकेशन के अंदर किस तरीके से अगले एलिमेंट को साथ हम कनेक्ट होते हैं। लिंक्ड डेटा स्ट्रक्चर्स इंक्लूड लिंक लिस्ट, सर्च ट्रीज, एक्सप्रेशन ट्रीज एंड मेनी अदरवाइज वाइडली यूज डेटा स्ट्रक्चर्स। अच्छा, ज्यादा ये बता रहे हैं कि जाहिर है उसके अंदर जो ट्रीज का कॉन्सेप्ट है, तो ट्रीज का कॉन्सेप्ट जो है वो इसके अंदर एप्लीकेबल है, और लिंक लिस्ट के अंदर आप जो ज्यादा ट्रीज जितनी भी हैं वो लिंक लिस्ट के जरिए मेंटेन करते हैं जाहिर है, क्योंकि उसमें एक तो लीनियर ऑर्डर जो है वो नहीं होता, नॉन लीनियर होती हैं ट्रीज, तो नॉन लीनियर के लिए भी अच्छा डेटा स्ट्रक्चर है। चाहे दो लोग आए, अम्माद, अनस, उस्मान, तो लिंक लिस्ट जो है वो उसकी वाइड एप्लीकेशन मौजूद है, और मुख्तलिफ एल्गोरिदम्स और मुख्तलिफ ज्यादा ट्रीज के अंदर जो है हम उसको जो मतलब अप्लाई करते हैं, वैसे हर जगह पे अप्लाई कर सकते हैं जहां में रिक्वायर्ड हो, ट्रीज के लिए ज्यादा सूटेबल है। अच्छा, यहाँ पर एग्जांपल दी है और क्लास में भी मैं इसको मैं बता रहा था, तो यहाँ पर इंशाल्लाह यहाँ पर भी कंटिन्यू करके इसको समझ लेते हैं ताकि चीजें क्लियर हो जाए। अच्छा जी, लिंक लिस्ट के अंदर मैंने आपको बताया था कि एक तो यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ लिंक लिस्ट, मुख्तलिफ सेल्स होते हैं जैसे आपको यहाँ स्क्रीन पर नजर आ रहे होंगे, एक होता है इन्फो पार्ट, ठीक है, एक इन्फो पार्ट है और एक जो है लिंक पार्ट है। ऊपर एक लिंक है और एक इन्फो है। अच्छा, यहाँ पर इसके इंडेक्सेस हम शो कर देते हैं इन्फो पार्ट के अंदर, जैसे इंडेक्सेस में शो कर दिया 1, 2, 3, 4 और ये 5, ठीक है। एक एलिमेंट होगा स्टार्ट का, स्टार्टिंग नोड बताई जाएगी कि भाई आपका जो है लिंक लिस्ट स्टार्ट कहाँ से हो रही है। स्टार्ट फॉर एग्जांपल हम कर लेते हैं 2 से, ये 2 से स्टार्ट हो रही लिंक लिस्ट। अच्छा, 2 पे गए, 2 पे आपको रखा हुआ है, फॉर एग्जांपल 2 पे रखा है ए, ठीक है, एक एरे रखा है। उसके बाद अगला एलिमेंट किस पर है, अगला एलिमेंट है फॉर एग्जांपल 1 पे, 1 पे रखा हुआ है हमारे पास लेट सपोज बी। उसके बाद अगला एलिमेंट फॉर एग्जांपल 5 पे है और 5 पे हमारे पास रखा है सी, और सी के बाद जो है हमने कर दिया 0, ठीक है, 0 मींस के आपका नल पॉइंटर है, 0 मींस नल पॉइंटर कि आगे जो है वो लिंक लिस्ट खत्म हो गई। तो स्टार्ट 2 से हो रहा है, आप देख रहे हैं स्टार्ट 2 से हो रहा है, 2 पे हमें ए मिल रहा है, ए के बाद अगला एलिमेंट, अगले आप उसके लिंक पार्ट में देखें, ए के बाद अगला एलिमेंट लिंक पार्ट में 1 दिखा रहा है, 1 पे बी रखा है, और बी के बाद अगला एलिमेंट आप यहाँ देखें 5 पे है, 5 पे दिखा रहा है, तो 5 पे रखा है सी, और इसके बाद अगला आप देखें एलिमेंट नहीं है, लिंक लिस्ट जो है खत्म हो रही है क्योंकि नल पॉइंटर आ गया, तो ए बी सी, ठीक है। तो इस तरह से मुख्तलिफ एलिमेंट्स मुख्तलिफ जगहों पर रखे होते हैं, लेकिन हम कैसे एक्सेस करते हैं, उसके एड्रेस के जरिए, हम उसके एड्रेस के जरिए जो है उसको एक्सेस कर रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा जी, उस्मान कह रहे हैं अटेंडेंस लगा दें, उस्मान ठीक है, आपकी अटेंडेंस मार्क कर दी।
तो इस तरीके से जो है ना, आप ये देखें कि इस तरीके से हम एलिमेंट्स को एक्सेस कर रहे होते हैं। तो ये हमने क्लास में भी समझ लिया था बात, ठीक है, यहाँ पर भी ये बात आ गई और हमें समझ में आ गया किस तरीके से जो है वाकई में ये चीजें हो रही हैं। अब देखो, इसके अंदर इंसर्शन करने के लिए जो है ना, वो खाली सेल्स जो है ना, उसमें ही इंसर्शन आप कर सकोगे, ठीक है। अभी ये पांच एलिमेंट्स की लिंक लिस्ट मैंने यहाँ पर बनाई है, ठीक है, तो इसमें खाली सेल भी हमें नजर आ रहे हैं। देखिए, सेल नंबर 3 खाली है, सेल नंबर 4 खाली है, और भी बढ़ा देते हैं इसको, थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं, एक और सेल बना देता हूँ, ठीक है, एक और सेल बना दिया, ये सेल नंबर आपका हो गया 6। ये सेल नंबर हो गया 6 और 6 भी खाली है। तो अब आपने ये आपने देख लिया कि अब जाहिर है इंसर्शन हम कहाँ करेंगे, इंसर्शन हमेशा जो है हम खाली सेल के लिंक लिस्ट में करेंगे, जो लिंक लिस्ट खाली होगी। अभी तो खाली सेल हमें नजर आ रहे हैं, 3 भी खाली है, 4 भी खाली है, 6 भी खाली है, लेकिन इनकी लिंक लिस्ट नहीं बनी हुई। हमें होता यह है कि खाली सेल्स की भी लिंक लिस्ट बनती है, आप मतलब ये कि ऑपरेटिंग सिस्टम पहले से ही रैम में देख लेता है कि खाली सेल्स कौन कौन से हैं और उनकी लिंक लिस्ट बना के रख लेता है, और उसको उसका नाम क्या देता है, उसका नाम वो देता है फ्री पूल, ठीक है, फ्री पूल, जैसे मैं यहाँ लिख रहा हूँ फ्री पूल, फ्री पूल या फ्री स्टोरेज लिस्ट, दोनों नाम हो सकते हैं उसके। तो वो खाली सेल की लिंक लिस्ट कराती है। एक बात याद रखिएगा हमेशा कि इंसर्शन जो होगी ना, हमेशा खाली सेल की लिंक लिस्ट में होगी, जाहिर है वही इंसर्शन करोगे, बाकी जगहों पे तो डेटा रखा हुआ है। तो खाली सेल की लिंक लिस्ट भी बना लेते हैं यहाँ पे। तो पेपर में हो सकता है आपको बनी, ये आपको चीजें गिवन होंगी, खाली सेल की लिंक लिस्ट भी गिवन होगी, लेकिन यहाँ मैं बना रहा हूँ। तो उसका नाम हमने रखा है अवेल, खाली सेल की लिंक लिस्ट का नाम रखा है हमने अवेल, और अवेल को हम स्टार्ट कर रहे हैं लेट सपोज 6 से। हमने बताया पहला खाली सेल 6 है, ठीक है, 6 पे गए, और 6 पे जाने के बाद हमें दूसरा खाली सेल मिला लेट सपोज 3, 3 पे गए, हमें तीसरा खाली सेल मिला, और उसके बाद अगला खाली सेल हमको मिल रहा है 4 पे, और फिर 4 पे गए, 4 पे जाने के बाद अगेन हमारे पास क्या आ गया, नल पॉइंटर, नल पॉइंटर बता रहा है यहाँ पर लिंक लिस्ट खत्म हो गई। तो जो अवेल के नाम से जो मैंने लिखा, अवेल मींस अवेलेबल सेल्स, ठीक है, यानी कि ये फ्री पूल है, फ्री स्टोरेज लिस्ट है, फ्री पूल है, जो खाली सेल के लिंक लिस्ट है। तो खाली सेल के लिंक लिस्ट इसको मैं अवेल से यहाँ पर कर रहा हूँ, और ये स्टार्ट हो रही है 6 से, ठीक है, 6 पे पहला खाली सेल, उसके बाद 3 पे अगला खाली सेल, उसके बाद 4 पे अगला खाली सेल, और 4 पे आने के बाद यहाँ पर नल पॉइंटर आ गया कि यहाँ पर मजीद वो ये लिंक लिस्ट खत्म हो गई। ये बात क्लियर हो गई सबको, अवेल का कॉन्सेप्ट समझ में आया, फ्री पूल, फ्री स्टोरेज लिस्ट। ये अभी तक मैंने इंसर्शन की नहीं है, अभी मैं इंसर्शन करने जा रहा हूँ, लेकिन सिर्फ उससे पहले ये सिर्फ पता है कि एक खाली सेल की लिंक लिस्ट होती है जिसको हम फ्री पूल कहते हैं, और अवेल से यहाँ पर इसका स्टार्टिंग पॉइंट किया है 6। सर एक मतलब रिपीट कर दे। अच्छा रिपीट कर दूँ, देखो यहाँ पर अवेल जो है ना, अवेल, अवेल क्या है कि बता रहे हैं कि यहाँ पर अवेलेबल सेल्स के खाली सेल्स कौन से हैं, खाली सेल नजर आ रहे हैं ना, 3, 4, 6, ये खाली सेल की लिंक लिस्ट बनाई है। तो पहला खाली सेल जो है 6 पर है, 6 पे आपको जैसे नजर आ रहा है पहला खाली सेल ये, ठीक है, फिर इससे अगला खाली सेल कब पर है, एड्रेस 3 पे जाएंगे, 3 पे गए तो आपको दूसरा खाली सेल मिला, फिर इससे अगला खाली सेल कौन सा, उसका आगे एड्रेस क्या रखा है 4, 4 पे गए इससे अगला खाली सेल हमें मिला, और यहाँ नल पॉइंटर। क्लियर हुआ ही?
ये खाली सेल्स की लिंक लिस्ट है और इंसर्शन हम इसी लिंक लिस्ट में करने जाएंगे। ओके सर। अच्छा अब आप देखो, अब लेट सपोज मैंने इंसर्ट करना है, कलर दूसरा ले लेता हूँ ताकि विजिबिलिटी रहे। लेट सपोज हमने इंसर्ट करना है, हमारे पास ए बी सी है ना, हमने बी और सी के दरमियान हमने एक वैल्यू इंसर्ट करनी है। लेट सपोज टी, ठीक है, एक एलिमेंट है टी, यानी कि पहले ए आएगा। अभी क्या, अभी अभी क्या हो रहा है, देखो स्टार्ट पे गए टू पे, टू पे क्या लिखा है ए, तो हमने ए लिख दिया था। ए के बाद फिर हम किस पे गए, वन पे, वन पे क्या रखा है बी, ने बी लिख दिया। फिर बी के बाद अगला एलिमेंट किस पर है, फाइव एड्रेस पे, फाइव पे गए, वहां क्या रखा है सी, हमने सी रख दिया। तो अभी तो ए बी सी है, करना क्या है अभी कि बी और सी के दरमियान टी को इंसर्ट करना है, ठीक है, बी और सी के दरमियान टी को इंसर्ट करना है। तो पहली बात जो मैंने अभी बताई थोड़ी देर पहले कि हमेशा इंसर्शन कहां पर होगी, फ्री स्टोरेज लिस्ट में, फ्री पूल में, जिसको अवेल पॉइंट आउट कर रहा है, ठीक है, अवेल पॉइंट आउट कर रहा है, ये खाली सेल के लिंक लिस्ट है, अवेल का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वहीं पर आपको इंसर्शन करनी होगी। तो देखो कहां पर दिखा रहा है, ये दिखा रहा है सिक्स, तो हम क्या करेंगे, सिक्स पर ही इंसर्शन करेंगे। तो सिक्स पर इंसर्शन करेंगे, सिक्स पर हमने क्या करा, सिक्स पर जाके हमने टी रख दिया, को यहां रख दिया, ठीक है, सिक्स पे। अच्छा अब जाहिर है टी तो हमने रख दिया, लेकिन अब ये खाली सेल तो नहीं रहा ना, सिक्स तो अब खाली सेल नहीं रहा, अब तो ये भर गया, तो जाहिर है इसको हम अवेल से निकालेंगे, फ्री स्टोरेज लिस्ट से इसको निकाला जाएगा, क्योंकि फ्री स्टोरेज लिस्ट जो है वो तो खाली सेल की लिंक लिस्ट होती है और यहां पर डेटा रख दिया गया। तो अब हम अवेल को अपडेट करेंगे, ठीक है, अब अवेल कहां से स्टार्ट होगा, फ्री स्टोरेज लिस्ट कहां से स्टार्ट होगी, जो इसका लिंक था, देखो सिक्स जो है पहला खाली सेल था जो अब डेटा रख दिया हमने, इसका लिंक अगला खाली सेल कहां पर है, थ्री पर, ठीक है, थ्री पर अगला खाली, जो अगला खाली सेल जहां पर इंडिकेट कर रहा है वो हमारा नया स्टार्टिंग पॉइंट बन जाएगा फ्री स्टोरेज लिस्ट का, अवेल का। तो अब मैंने यहां पर लिख दिया थ्री, ठीक है, थ्री वो स्टार्टिंग पॉइंट बन गया जहां से आप लिंक लिस्ट हमारी खाली सेल की लिंक लिस्ट स्टार्ट हो रही है। तो थ्री पे खाली सेल अगला और अगला खाली सेल फोर पे और यहाँ खत्म। तो ये वाली चेंज समझ में आया, एक तो हमने इंसर्शन कहाँ किया, अवेल में, लेकिन उसके बाद उसको अवेल से हटाया भी हमने, अवेल का जो लिंक था ना वो नया अवेल बन गया। सर अवेल को हटाया किस तरह, अवेल को ऐसे हटा दिया, अवेल पहले पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट सिक्स कर रहा बता रहा था आप, ठीक है, पहले अवेल का स्टार्टिंग पॉइंट ये था ना सिक्स, तो इसका जो लिंक है सिक्स का लिंक क्या है, थ्री, थ्री को हमने नया अवेल बना दिया और सिक्स की हमने वैल्यू रख दी, अब तो ये खाली सेल नहीं रहा, तो उसका जो लिंक था वो नया अवेल बन जाएगा। अब नया जो फ्री स्टोरेज लिस्ट है अब थ्री से स्टार्ट होगी, ये वाली बात क्लियर हो गई। Yes, sir. अभी तक हमने क्या किया है, अभी तक मैंने सिर्फ ये किया है कि टी को मैंने इंसर्ट किया है फ्री स्टोरेज लिस्ट में, लेकिन टी को इंसर्ट कहाँ करना है, बी और सी के दरमियान, अभी बी और सी के दरमियान टी नहीं आया है, ठीक है, तो पहले बी, बी देखो ए है, ए के बाद वन पे गए तो बी है, बी के बाद फाइव पे गए तो सी है, तो बी और सी के दरमियान, ठीक है, बी और सी के दरमियान हमने लाना है टी को। तो होगा क्या कि बी, जो ये बी लिखा है ना यहाँ पर आपको नजर आ रहा है, ये बी जो लिखा है इसका लिंक चेंज होगा, बी का लिंक क्या बता रहा है ये फाइव जो कि सी है, लेकिन मैं फाइव नहीं रखूंगा बल्कि क्या रखूंगा कि वो टी को डिनोट, टी को पॉइंट आउट करे, फाइव को काट के क्या करना होगा, ये टी को पॉइंट आउट करे, जी कौन बताएगा, बी के बाद टी आए, अभी तो बी के बाद सी आ रहा था सर, सिक्स लिंक कर देंगे ना, लिंक सिक्स कर देंगे, जी जी बिल्कुल सही बताया, सिक्स करेंगे, ठीक है, क्यों सिक्स करेंगे, सिक्स पे टी रखा हुआ है, तो बी के बाद चूंकि टी आना चाहिए
क्योंकि वहां पर सिचुएशन यही थी कि ए आए, ठीक है, ए के बाद बी आए, बी के बाद टी आए और टी के बाद सी आए. हम ये करने जा रहे हैं ना, इंसर्शन करने जा रहे हैं टी को बी और सी के दरमियान. तो बी के बाद फाइव पे सी था, हमने उस लिंक को काटा, सी वाले लिंक को, फाइव को काट के हमने लिख दिया सिक्स, ठीक है, सिक्स लिख दिया. तो अब बी के बाद जो है वो टी को पॉइंट आउट करेगा. अच्छा, टी को पॉइंट आउट करने के बाद अब ये वाला लिंक इसको पॉइंट आउट करेगा, क्योंकि देखो बी टी के बाद फिर क्या आएगा, सी. तो जाहिर है ये अभी तो थ्री को पॉइंट आउट करा, ये तो पुराना अवेल था, पुराना मतलब वो था, इसको मैंने कट किया और मैं क्या लिखूंगा कि थ्री को पॉइंट आउट करें, फाइव सर, फाइव, फाइव, बिल्कुल सही बात. हम यहाँ पर लिखेंगे फाइव, ये फाइव लिख दिया. तो टी के बाद जो है अब ये सी को पॉइंट आउट करेगा और यहाँ पर फिर ये लिंग्लिश खत्म हो गई. तो हमने क्या क्या चेंजेस किए जो आपको नजर आ रही है. पहला तो हमने काम ये किया कि हमने अवेल को अपडेट किया, फ्री स्टोरेज लिस्ट को अपडेट किया. पहले अवेल पॉइंट आउट कर रहा था सिक्स को, ठीक है, तो हमने उसका जो लिंक था, सिक्स का लिंक क्या है, तो सिक्स का लिंक ये है थ्री जो आगे लिखा हुआ, ठीक है. ये तो इन्फो पार्ट है, ये इन्फो पार्ट है, ये जो ऊपर मैंने थोड़ा लिख नहीं पाया पूरा, इन्फो पार्ट है ये. इन्फो पार्ट में रखा था टी और इसका लिंक पार्ट था वो थ्री था. तो थ्री को काट के मैंने सॉरी जो थ्री जो था उसको मैंने नया अवेल बना दिया, ठीक है, क्योंकि जाहिर है जहां पर वैल्यू रख दी वो तो अब खाली सेल नहीं रहा, वो तो सेल भर गया. तो उसका जो लिंक था, ठीक है, उसको मैंने नया अवेल बना दिया. तो मैंने अवेल को अपडेट कर दिया थ्री से. इसके बाद क्या किया कि बी और सी के दरमियान चूंकि टी लाना, तो बी का लिंक था फाइव, क्योंकि बी और सी को पॉइंट आउट कर रहा था. तो बी का लिंक मैंने फाइव की जगह उसको सिक्स कर दिया. तो बी जो है पॉइंट आउट कर रहा है सिक्स को, यानी कि टी को, और टी जो है टी के बाद सी आना चाहिए. तो टी के जो लिंक था वो थ्री था, उसको कट करके मैंने फाइव कर दिया जो कि है सी. तो इस तरह हुआ क्या कि ए बी टी और सी, टी को हमने सक्सेसफुली बी और सी के दरमियान इंसर्ट कर दिया. ये हमने काम किया और जो चेंजेस थी वो मैंने आपको यहाँ पर कट करके दिखाई है अलग कलर से. कोई भी क्वेश्चन है सिनेरियो में तो पूछ रहे. सब क्लियर है? यस सर. तो हुआ क्या, हमने क्या क्या काम किया, अवेल को हमने कैसे, ये बात हमेशा बस याद रखिएगा कि अवेल को जो है अपडेट हम करते हैं ना, अवेल के अंदर हमेशा इंसर्शन होगी. जो भी अवेल जिस पॉइंट को दिखा रहा होगा वहीं पर जो है हमें इंसर्शन करनी होगी. और अवेल को हम कैसे अपडेट करेंगे, अवेल को अपडेट करने का तरीका क्या है, हम लिखेंगे, मतलब हमने अवेल को अपडेट कैसे किया था कि जो अवेल का लिंक था उसको हमने नया अवेल बना दिया था. ठीक है, अवेल इज इक्वल टू लिंक ऑफ अवेल, यानी कि अवेल का जो लिंक था वो नया अवेल बन गया. अवेल का जो लिंक था वो नया अवेल बन गया. ठीक है, क्योंकि जाहिर है इसके अंदर अवेल का लिंक क्या था, थ्री था. ठीक है, तो हमने थ्री को नया अवेल बना दिया था. तो ये अवेल इज इक्वल टू लिंक ऑफ अवेल, पुराने अवेल का लिंक नया अवेल बन जाएगा. कोई वैल्यू आप अवेल में रख दोगे उसके बाद उसका जो लिंक होगा वो नया अवेल बन जाएगा. इसको इस तरह से लिखा है, अवेल इज इक्वल टू लिंक ऑफ अवेल. अच्छा जी, ये तो सिनेरियो वो था जिस जब हमने इंसर्शन किया है इन बिटवीन. अच्छा, अब अगली वैल्यू इंसर्ट करते हैं. लेट सपोज, अच्छा यहाँ पर इसको मैं फिर रब कर देता हूँ या नया बना लेते हैं. चले ये लिखा रहने देते हैं. अब ये नया सिनेरियो कर लेते हैं.
1, 2, 3, 4, 5, 6. अब यहाँ पर ये जो ऊपर का पार्ट है ये इन्फो है, इसको सही करके लिख सकते हैं. ये इन्फो है और अगला जो है वो लिंक है. लेस देन अ मिनट मुझे दिखा रहा है, दोबारा कनेक्ट करते हैं. 40 मिनट्स पूरे हो रहे हैं.